अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार से पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा गार्लिक पराठा। तो चलिए मज़ेदार सा पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा गार्लिक पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसको ऐड करेंगे एक बाउल में। 1 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने। अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ मैदा ही ऐड कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून शक्कर, ये ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून नमक। 1/4 कप सूजी या रवा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और आटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो हमें नहीं बनानी है, थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। अच्छे से गूंद लेंगे इसको। आटा मैंने समेट लिया है, अब इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तकरीबन इसमें 1 कप पानी लगा है। ये देखें, आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। पराठे में फिलिंग करने के लिए यहाँ मैंने 5 गार्लिक क्लोव्स लिए हैं, 3 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स लिए मैंने। अगर आप ऑरिगेनो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर लीजिएगा। हम सबसे पहले गार्लिक को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लीजिए। ग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है। इसके अंदर हम मिक्स हर्ब ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया, ग्रेटेड लहसुन ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। देखिए, हमारी ज़बरदस्ती फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने आटे में भी नमक ऐड किया है और जो हम बटर यूज़ कर रहे हैं वो भी सॉल्टेड बटर है। चलिए अब इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ हमारा आटा भी सेट हो गया है, अब हम इससे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से पेड़े बना के रख लेंगे। देखिए, मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए। इतने आटे से हमारे 5 पराठे बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको बेल लेंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे यहाँ से, हल्का सा आटा डस्ट करेंगे, इसको बेल लेंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं इतना ही इसको बेल लीजिए। अब जो हमने बटर का मिक्सचर बना के रखा था इसको इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में इसको लगाएंगे, अच्छी तरह से पूरे पराठे पे इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखें, मैंने सारा स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से पहले ऊपर लाएंगे, फिर नीचे, फिर इस तरह से ऊपर और नीचे करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह हम पहले पंखा बनाते थे इसी तरह मैंने इसको बनाया है। अब हम इसको रोल करते चले जाएंगे। ये देखें, हमारा ज़बरदस्त सा पेड़ा बनकर तैयार हो गया। लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त आई हैं इसमें। मैं आपको दूसरी तरीके भी बता देती हूँ। मैंने एक दूसरा पराठा बेल लिया है, इसके ऊपर दोबारा से मिक्सचर लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, इस तरह से कट लगा देंगे एक साइड से।
और इसको रोल करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह, और इसको इस तरह से कर लेंगे। और ये देखिए हमारा दूसरा पराठा ही बनकर तैयार हो गया। अब इस पराठे को हम बेल लेंगे। पराठे को मैंने अच्छे से बेल लिया, अब हम इसको तवे पे ऐड करेंगे। यहाँ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था, अब इसके ऊपर पराठा ऐड कर देंगे। तवा गरम हो गया, ये देखें जब एक तरफ से बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और इसके ऊपर आप घी या ऑयल जो भी लगाना चाहें उसको लगा देंगे। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। पराठा आप जब भी बनाएं हल्की आंच पे बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार होता है। और इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते रहें। मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है। देखिए पराठे पे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आ गया। मैं इसको उतार लेती हूँ। ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त सी इसमें लेयर्स आई हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे। इससे पराठे के टेस्ट में और इजाफा हो जाएगा। और ये हमारा मज़ेदार सा गार्लिक पराठा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मेथी का पराठा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा पराठा। ऐसे मेथी के पराठे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पाव मेथी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसको साइड में रख लेंगे और पराठों में ऐड करने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। इसके अंदर हम 7 से 8 लहसुन के जवे ऐड करेंगे, थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे। दो हरी मिर्ची ऐड करेंगे। और इसको पीस लेंगे। मैंने इसको पीस लिया, अब इसको साइड पे रख देंगे। अब हम आटा तैयार कर लेंगे। आटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है। मैं यहाँ गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फाइन आटा या मैदे में भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। मैं यहाँ साबुत ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पीस के ऐड कर लीजिएगा, मुझे साबुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से क्रश करके ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, आप अगर नहीं ऐड करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत अच्छे पराठे बनकर तैयार होंगे। अब हम इसके अंदर पेस्ट ऐड करेंगे, जो हमने हरी मिर्चें अदरक और लहसुन का बनाया था, इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। हम इसके अंदर मेथी ऐड कर देंगे, जो हमने चॉप करके रखी थी। मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह। सारी चीज़ों को मैंने आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, आप ऑयल या घी जो भी यूज़ करना चाहते हो वो ऐड कर दीजिएगा। मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी एक डो बना लेंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए सारा आटा मैंने समेट लिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा हार्ड। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। फिर हम इसे पराठे तैयार करेंगे। आटे को मैंने 20 मिनट्स के लिए कवर करके रखा था। चलें देखते हैं। ये देखें
आटा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना हो उस हिसाब से पेड़ा ले लीजिए। ये देखिए मैंने पेड़ा बना लिया है, मैं इसी तरह बाकी सारे पेड़े बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए। 2 कप आटे से हमारे 5 पराठे बनकर तैयार होंगे। अब हम इनको बेल लेंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे और हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे इसके ऊपर। बेल लेंगे इसको। देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही तवे पे फ्राई कर लीजिए। मैं इसके ऊपर अभी थोड़ा सा घी लगाऊंगी। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। घी मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे इस तरह। थोड़ा सा रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और ये हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसको दोबारा से बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। इसको बेल लेंगे। ये देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है, ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना बहुत ज़्यादा मोटा। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तवा गरम हो गया है, वो इसके ऊपर पराठा ऐड करेंगे। पराठे को एक तरफ से कुक होते हुए 1 से 2 मिनट हो गए, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें अब हम इसके ऊपर ऑयल या बटर आप जो भी लगाना चाहें, मैं यहाँ घी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके सेक लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। ये देखिए पराठे को मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है और हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। मैं इसको उतार लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह मैं बाकी सारे पराठे भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से मेथी के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको अचार के साथ एंजॉय करें, चटनी के साथ या रायते के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।